सौरव अच्छा ना आता ही है। भाई जी देख लो आप सब, देख लो आप सब, सच्ची तो बोला है मैंने। ये हमारा लड्डू है, लड्डू हाय बोलो। अरे ये बूंदी है, हाय बोलो। बूंदी इतना खाती है हमारे लड्डू की मम्मी भाई साहब कि बंद ही नहीं होती। And this is Bitora, और यहाँ पे ना फापू रहता है इसके अंदर, तो हमें डर लगता है हम नहीं। और भैया कल को मोना है रबर जी, तुम्हें दिखाई का जा रहा सबका चू। देखो मेरे भाई को खींचते खचेते। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो, आशा करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा मन हो रहा था ब्लॉग बनाने का, तो मैं हो गई शुरू और नहाई भी नहीं ना मुंह धोया। आप कह रहे होंगे लाइनर लगावा, ये तो कल का ही लगावा है, तो मैंने मुंह भी नहीं धोया। तो पता नहीं है इस ब्लॉग में आज क्या होने वाला है, पर ब्लॉग तो मैं बनाऊँगी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे घर क्या हो रहा है। हेलो गाइस, मैं आ रही हूँ आपके पास आपको दिखाने के लिए। हमारे घर में चल रहा है भोजन, खाएंगे। और देखो मेरी मम्मी श्री बना रही हैं भोजन और ये खा रहे हैं। और ये एक फेमस स्टार को देख रहा है, वो मैं हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भैया आज खाए लग रहे हैं कचौड़ी, और देखो मुझे पूछ भी नहीं रहे, पर क्या करें, हम बेया बने थे, खा लेंगे, कोई बात नहीं, मत पूछो। और अभी नहाना भी है, और ये तो नहाना के बैठे भी है, तीनों नहा लिए, 10:30 बज रहे हैं। और देखो ये हैं हमारी माता जी भी, और ये दीदी भी, और ये भ्राता श्री, जो अपना चेहरा नहीं दिखाते, इनको लगती है शर्म। मैं कहती हूँ भैया तू इतना भी बुरा नहीं है, कैमरे में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम भी अब खाना खाते हैं, फिर नाना भी है, फिर देखते हैं क्या उठपटांग हरकत करते हैं, और कुछ बोल दूं तो बुरा मत मानना गाइस, बाय। सो खा पी के तो हो गए डन। तो आप देख सकते हैं मैं हो गई मोटी खाना खा के। तो अब मैं नहाती हूँ, और गाइस हमारे यहाँ आ रही है चेकिंग, वो लाइट वाले होते हैं ना जो हीटर वीटर चेक करते हैं, तो वो आ रहे हैं। और सब ने हीटर छुपा दिए, और हमारे यहाँ भी हीटर चलता है, तो मम्मी ने भी छुपा दिया। मैं कह रही वो आएंगे ना तो मैं बोल दूँगी तुम्हारे आने से पहले तो हमने चलाया था, और उस पर भोजन भी बनाया था, भोजन तो गैस पर बनाया था, दलिया वलिया पानी गर्म जो हीटर पर होता है वो, तो हीटर छुपा दिया मम्मी ने, टांड पर रख दिया है। और वो आ रहे होंगे, तो मैंने बोला मम्मी मैं तो बोल दूँगी कि तुम्हारे आने से पहले हमने उस पर काम भी किया, और तुम आ गए तो इसीलिए वो हमने छुपा दिया, तुम्हारे जाने के बाद उसे हम तुरंत उतारेंगे और चलाएंगे भी, और तुम देख भी नहीं पाओगे। और देखो मैं माहौल दिखाती हूँ जो चेकिंग आने से पहले ना हमारे गांव में क्या होता है, ऐसे भीड़ जमा हो जाती है, सब बातें करते हैं। गाइस मैं तो दिखाती हूँ है ना बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। देखा देखा ऐसे बातें कर रही है, अगर मैं उनको दिखाती ना तो वो बोलती है यार हमारी वीडियो बना रही है, वो दीदी है ना अन्नू दीदी है हमारी, ऐसे बोल देती है फटाफट और चाटा और मार देती है यार हमारी वीडियो बना रही है, रुक जा। तो ऐसे और अभी तो ये 4-5 जने हैं, और बहुत सारी लोग अपनी छत पे, कोई तार काटेगा कोई कुछ करेगा, मज़ा आता है वैसे। पर हाँ घर में जाके भी चेक करते हैं वो हीटर है नहीं है, फ्री चलते हैं यार सबके घर चलते हैं, उनको पता नहीं है वो ना पागल होते हैं, सही बताऊँ तो सबके यहाँ हीटर चलते हैं, आने से पहले सब छुपा देते हैं, बात ख़त्म। तो मेरी फालतू बातें हुई ख़त्म, मैं चलूँ नहाने, फिर नहा के मिलती हूँ तब। वैसे मेरी फालतू बातें ख़त्म नहीं होती, आऊँगी, यहीं बने रहना ठीक है, और जाना मत। तो मैं नहाती हूँ, और देखो मतलब हम गई और बहन जी चली भी गई, बोलती ना तो नहीं जाती, जिद पड़ जाती यहीं बैठना है यहीं बैठना है, पर अपने आप ही चली गई। और देखो देखो कितनी तेज तेज बातें हो रही हैं, अब देखो ये माहौल है गाइस, देखा एक दो बढ़ गई, दो इधर आ गई, और अभी सब बाहर निकलेंगे धीरे धीरे कि क्या मसला है। तो इस मसले को छोड़ते हुए हम चले नहीं नहीं करने, तो नहीं नहीं करने के बाद मिलेंगे, तो बने रहो वीडियो में और एंड तक देखना कि आज हम क्या पागलपंती कर देंगे, क्योंकि पता तो है नहीं कि ब्लॉग किस मसले पर बना रहे हैं, पर ब्लॉग बनाना है ना तो ब्लॉग बना के ही रहेंगे, और आप सब ब्लॉग देख के ही जाना ठीक है। तो नहाने के बाद मिलते हैं,
ओ नहा धो के तो हो गए फ्री, अब चलते हैं बाल बाल बनाते हैं और थोड़ा ये भी करते हैं, चलते हैं। तो और देखो आज हमारा घर पड़ा है खाली, और हाँ क्यों पड़ा है तो आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है। जो यहाँ के मालिक थे ना, जो यहाँ पे रहते थे कभी अंदर कभी बाहर, तो वो बांध दिए आज खेत पे धूप लो भैया धूप लो। वैसे तो गर्मी आ गई, अब पूरी पूरी ठंड निकल गई, तो हमने यहीं पे रखे थे अपने जो भैंस और गैया है, और अब गर्मी सी आ गई है। वैसे ठंड तो है, अब खेत पे बांधने लग गए 2 दिन से, तो अब जाएंगे शाम को उनको खोल के लाते हैं, जब भी दिखाएंगे मम्मी। और मम्मी मांग रही थी झाड़ू, वो छत पे झाड़ू लगाने के लिए, और मैंने झाड़ू ना दी। जो बेचारे खेत पे बंधे हुए ना, उनका भोजन क्या, पनीर मटर पनीर जो भी होता है सिस्टम, बोसो चरी प्यार सब रखा हुआ है खेत पे से लाए थे अभी भैया। वैसे तो कमरे में रखा हुआ है एकदम सेफ, फ्रिज में बोले तो फ्रिज में रखा है। अब थोड़ा बहुत यहाँ रखा है कि मम्मी सानी वगैरह करती हैं तो यहीं से लेके कर दो, रोज रोज जाना ना पड़े। यार बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने झाड़ू फेंक भी दी और वो ऊपर चली भी गई, पर गाइस वो आपको नहीं दिखी, मुझे बड़ा दुख है यार। मैं माफी मांगती हूँ दिल से कि आप नहीं देख पाए, तो इतनी ताकत तो है यार झाड़ू फेंकने की, तो मैंने फेंक दी, तो मम्मी झाड़ू वाड़ू लगा देंगी। तो हम चलते हैं घर, अपनी लीपा पोती करते हैं, थोड़ी बहुत वाल वाल बनाते हैं, आपको बाहर का माहौल दिखाती हूँ, रुको ठीक है। मैंने अपने नाम यहाँ पे यहाँ यहाँ लिख, रुको रुको देखो देखो देखो, राम राम। ये हमारी मौसी थी जो इधर किधर बैठी थी, अब मैं ऐसे कैसे बताऊँ, आज मौसी के घर भी जाएंगे वहाँ भी दिखाएंगे ठीक है, सबसे मिलाती हूँ आज, क्योंकि पता नहीं है ना कि क्या करना है, कुछ भी कर देंगे ठीक है ना। जाइए जया जले ने मार के। तो हम आ चुके हैं घर, और मेरी मौसी की लड़की घर ही आ गई, जो मैं वहां जाने वाली थी वो घर आ गई, क्यों हम उनसे पहले ना पहुंच जाए उनके घर, और इनके घर जाओ ना कुछ भी नहीं पूछते खाने के लिए, जैसे ये आई है ना हम भी इनसे नहीं पूछेंगे क्योंकि हम पास पास ही रहते हैं। देखो देखो मेरा भाई है जो सॉन्ग सुने जा रहा है अंदर, ये मेरी बहन है मौसी की लड़की है, हाय इनसे मिल गई हाय। और देखो ये यहाँ मेरा भाई, आए हाय क्या चल रहा है पता ही नहीं, और लाइट 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 वाइट जलाओ भैया, देखो दिन हो रहा है, कितने बज रहे हैं भैया, कितने 12 बज रहे हैं, देखो सोता पड़ रहे हैं। आपने सुनाई होगा गाइस की लोभ की नैया हमेशा डूबती है, मेरी बहन है ना ये करिश्मा दी, इन्होंने कर रिचार्ज, इनका हो गया रिचार्ज खत्म, तो सिम पोर्ट करने वाला आया, तो सोच रही यार 300 रुपये का क्या रिचार्ज करवाऊँ, तो सिम पोर्ट ही करवा लूँ, तो सिम पोर्ट करवा ली, आज हो गए 5 दिन तो सिम चालू ही नहीं है, तो यार फोन कर उस पर फोन कर, ठग लेगो और सिम चालू ना हो रही क्योंकि, और हमारे भ्राताश्री इतने मलूक हैं कि अरे जी जी सिम चालू हो जाएगी, और हाँ मेरे भाई ने भी सिम पोर्ट करवाई थी इसने भी, पर इसकी चालू हो गई और इनकी चालू नहीं हुई, तो शायद चालू हो जाएगी अभी, पर इनको सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, तो कोई नहीं अब ये कह रही है यार फोन कर वो सुनना रहा क्या करना चाहिए अब इनको बताओ। दीदी बहुत परेशान है, अब मुझे हंसी आ रही है सुबह से, कई बार 2-3 बार चक्कर हो गए और मेरी सिम चालू ना हो रही यार, दुख तो हमें भी हो रहा है कि दीदी की सिम चालू नहीं हो रही, तो बड़ा दुख है कि उनकी सिम चालू नहीं हो रही, पर सिम आज चालू हो जाएगी, तो दीदी नो टेंशन, अब दीदी बैठी है आराम से, देखो सकल ओ सकल इतनी अच्छी है दिखा दो अच्छी यार क्या कह रही है मेरी सकल अच्छी ना है बताओ, बुला के आ गई गंदी गली, अच्छा जी गंदी डरी छत्ते और देखो झाड़ू लगाती हुई मम्मा, ये हम ब्लॉग बनाते हुए, और ये बेचारी सकल देखो कितनी प्यारी है, फिर भी पता क्या बोल रही है मेरी सकल अच्छी नहीं है, और पता है एक बोली छत पे से, चलो हम उनको दिखाते हैं, पता है क्या कह रही है कि उसकी सकल अच्छी नहीं है, अब उनकी सकल दिखाते हैं उनकी सकल कैसी है, तो मेरी तो आप देखते ही रोज, तो
लकड़ी रखी हुई है चूल्हे वूल्हे का। और देखो अभी दिखा दी शकल, अब बताना किसकी शकल अच्छी है, दोनों बैठेगी, दोनों को दिखाऊंगी ठीक है, फिर कमेंट में बताना कौन कौन की शकल ज्यादा अच्छी है। पानी लगाइए और पानी फैलाए दो, गलती फैलो ऐसी गलती मेरे ऊपर फैला दो तो कोई बात नहीं है ना आता ही। देख लो आप सब, सच्ची तो बोला है मैंने, सच बोला या झूठ बोला ये कमेंट में बताना ठीक है। और शकल की मेरी तो बहुत अच्छी है, मेरी भी अच्छी है और मेरी तो भैया कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो मुझे तो शर्म आ जाती है, मैं अभी शर्मा दूंगी और मुझे आ भी गई शर्म तो कोई नहीं। देखो आया बहन जी ने ऊपर और ये पढ़ रही है बेचारी, देखो क्या वैसे ही बैठी हूँ किताब ले गई काम अच्छा। से बच के हाय हाय ये जलवे आजकल ना बच्चों के यही जलवे हो रहे हैं कि काम से बचो और किताब लेके बैठो। अरे भाई दीदी तो गायब भी हो गई, वो चली गई। और देखो ये तो लगी हुई है, हम चलते हैं अपना कुछ बाल बाल बनाते हैं, फिर रील्स भी बनानी है हमें, फिर जाएंगे खेत पे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अब चलते हैं मौसी के घर, फिर रील्स भी बनाएंगी, दीदी रील्स बनाएंगी मेरी एक उंगली से क्योंकि मैं वहीं रहूंगी बहुत कुछ टाइम, तो फोन भी हो गया तो चार्जिंग पे लगा दूंगी दिमाग। तो चलते हैं मौसी के घर। तो मैं ऐसी लग रही हूँ, हाँ ओए विपिन मेरा सूट दियो अंदर रखो, वो मम्मी मंगा रही है धोने के लिए सूट सूट। पूरे 2:30 बज चुके हैं और देखो मम्मी हमारी इनने सारे कपड़े धो रही है बेचारी, तो इतना काम करती है कौन करे फिर ना करे तो करेंगे हम तो। लेट हो गई, बताओ 2 बज चुके हैं आज, तो मम्मी धो रही है कपड़े, तो यार मम्मी बहुत काम करती है। तो देखो ये रास्ता मौसी घर के, यार पत्ती पत्ते हो रखे हैं पूरे घर, ये घर है हमारे, हमारे चाचा जी लगते हैं और ये इधर का माहौल है। तो फटाफट चलते हैं मासी के घर, ये घर दिख रहा है ना, यही है मेरी मासी का घर। आप सोच रहे होंगे कितनी दूर है, बस पास ही में 2 कदम की दूरी पहले तो यार। तो ये आ गया घर मासी का, तो चलते हैं इनके घर, देखते हैं क्या हो रहा है। इनको पता भी नहीं इनके यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, ये बताओ गेट बंद करके बैठे हैं। क्या चल रहा है देखो, देखो एकदम खाली खाली पड़ा है पूरा घर, यहाँ सूख रही है मिर्ची और ये कपड़े सूख रहे हैं, देखो मासी लगी हुई है। तो मेरी सिम पोर्ट करने वाली दीदी ये रही ये बना रही है क्या, ये वो कर रही है दूध को, हम इनके घर आ चुके हैं और वो कहाँ ललते हैं दीदी, तो उनसे बनाते हैं बनवाते हैं रील अपनी, तो वो पता नहीं क्या कर रही है, अब जाते हैं उनके घर। तो देखे गाइस ये क्या कर रही है बेचारी, क्या देख रही है अपन ना सीरियल चल रहा है, मन अति सुंदर, क्या इनका मन मुझसे सुंदर हो सकता है ना ही हो सकता। तो चलिए मेरी रील्स बनाइए और देखिए आज मैं ऐसी लग रही हूँ, मेरी वैसे मैंने पहन रखा सूट। और देखिए मेरे भैया दिखाऊं, ये ना मेरी मासी की तीसरी औलाद है, दूसरी वहां किचन में लगी हुई है, जो पहली थी ना वो मेरे भैया, जो उनकी जॉब लग चुकी है एयरफोर्स में तो वो ड्यूटी पर हैं। और देखिए भाभी भी दिखाती हुई है, तो ये मेरे भैया ये मेरी भाभी, भाभी गई है गाँव तो अब इनका रात चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ अब रील बनाते हैं, तो मिलते हैं रील बनाने के बाद, तब तक के लिए बाय। तो रील्स बन चुकी हैं और हम जा रहे हैं अब खेत पे, तो दिखाते हैं क्या, देखो ये मेरे साथ जा रही है मेरी बहन, तो चलते हैं खेत पे और देखो के लिए रास्ता जा रहा है ये।
कुत्ता कुत्ता ऐसे बैठा है कि कतई खाएगा। भाई कुत्तों ने खौफ भर रखा है। ये इधर हमारा खेत है, ये चींची पड़ी है। तो चींचियां तो चींचियां, इसमें क्या हो गया, इनको ना शर्म आती है भैया। मैं तो ऐसी हूँ, चींचियां तो चींचियां। ये ना भैया ऐसे ही ऐसे टोक दे दिए मुझे, मतलब मेरी पूरी बात ना कंप्लीट बात को कहने नहीं देती है, मतलब बात ये है बीच में कुछ ना कुछ बोलना ही है। बहन का लग दिखाते हैं यार, देखो ये डंडा लेके, क्योंकि कुत्ते खा जाते हैं। अगर कुत्ता मिल गया ना सामने भाई, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी। भैया तू मुझे खा ले ना, मुझसे भागा जाएगा ना कुछ भी, तो भैया तू मुझे खा ले। कोई नहीं, फिर रोते रोते घर जाऊंगी, मम्मी कुत्ता खा गो, मम्मी कुत्ता खा गो। फिर मम्मी ना भैया देसी जुगाड़ कर देंगी, नॉन मिर्च हद लगा देंगी। मतलब पहले ना एक बार मुझे कुत्ता खा गया, बहुत टाइम हो गया, तो मम्मी ने ना घर पर इलाज कर दिया, हल्दी लगा दी, मिर्च लगा दी भैया। और देखो मेरा भाई ना ऐसे देख रहा है कि तो ये हमारा खेत है, वहां तक जहां तक मेरा हाथ जा रहा है ना, वहां तक सारे खेत ना अपन के। ऐसे ऐसे डायलॉग मार दूंगी मैं यार। गाइस देखो कैसा लुक बना रखा है, देसी लुक है भैया। और देखो और भाई साहब पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं। और देखो मेरा भाई कैसा बैठा, और देख ना अब मुंह छुपाएगा और कुछ नहीं है इसके पास, पत्ते ही पत्ते पत्ते ही पत्ते ऐसा पड़ा है अब तो। आज अपना खेत भी दिखा दिया, देखो फिर से मेरा डायलॉग आ रहा है। तो भैया जहां तक आपको दिख रहा है ना, जहां तक दिख रहा है ये हरियाली 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 अपनी की है, ठीक है ना। तो मजाक यहीं तक है, ये खेत अपना है। और देखो एक ये रहा खेत, एक वो रहा। आप पेड़ देखो कैसे हो रहे हैं बताओ, ये मुझे पुकार रहे हैं। तो भैया और देखिए भैया, ये नहीं ये बात ना है कि पढ़ लें, दस के पेपर आ रहे हैं बोर्ड के ना, प्यारी सी शक्ल ऊपर कर दे, फोन चला रहे हैं हट। तो आलू हो रहे हैं अब। और देखो आज हम आपको अपने लड्डू बूंदी से मिलाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा लड्डू है, लड्डू हाय बोलो, और ये बूंदी है, हाय बोलो बूंदी, प्यारे ना दोनों। अब कौन प्यारा है, लड्डू प्यारा है या बूंदी प्यारी है? बूरा है। और ये बूंदी की मम्मी जी जो जो ना अब ऐसे बोल रही हैं, मुझे घर ले चलो घर ले चलो। और ये लड्डू की मम्मी, दोनों बहन बहन है। वैसे तो लड्डू की मम्मी और बूंदी की मम्मी सेम सेम ही है, काले काले लड्डू बूंदी अलग है। और ये पता नहीं क्या डायलॉग मारे जा रही, क्या कह रही है अब ऐसे ये भैया अम्मा। तो अब ये कह रहे हैं हमें ले चलो घर, और हम करेंगे भोजन, हमको लगी है भूख। और गाइस मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई, तो कैसी लग रही है। और पूरे खेत में पत्ते ही पत्ते, प्लॉट पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं। ये हैं पागल मानस दोनों के दोनों। ये आज मेरा मूड है ना फुल, तो ये चलेगा रात तक इस कैमरे को हम ऑन रखेंगे और अपनी पागलपंती दिखाएंगे। तो कैसा लगा। और ये गाइस इतनी मतलब इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे, हरियाली 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 चारों तरफ। देखो हरियाली हरियाली एकदम गजब। और ये क्या है, यहाँ पे हमारी कंडी रखी हुई बिटोरा, दिस इज बिटोरा। और यहाँ पे ना फांपू रहता है इसके अंदर, तो हमें डर लगता है, हमें डर लगता है अगर फांपू हमें खा गया तो हम तो सीधा ऊपर हो जाएंगे ना। तो अभी हमें ऊपर नहीं जाना है, तो अभी हमें पूरी जिंदगी जीनी है 200 साल की लगभग, तो इसीलिए डर बना हुआ है, बिटोरा को हम छूते भी नहीं है, ठीक है। तो भैया ये ना
जो हमारे लड्डू बूंदी इनकी मम्मी श्री है ना, तो ये हो रही है विचलित कि हमको घर जाना और ये दोनों क्यों आई हैं यहाँ पे, और ये फोन को लेके जो हमारी सेल्फी ले रही हैं, बड़े खुश हो रहे हैं ये इसीलिए। और देखो लड्डू बूंदी के स्वेटर यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये उसका स्वेटर, ने स्वेटर को ना संभाल के नहीं रखते हैं, ठीक है कोई नहीं, इनको अब घर ले जाएंगे। और देखो मेरे दोनों भैया भी आ रहे हैं, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्लॉग में, तुम भी शामिल हो जाओ भैया। देखो हाय बोलो, हाय बोलो बच्चों, हाय। तो हम यहाँ पे हैं पांच लोग, तो आप फुल मस्ती चल रही है, कोई कछु बोल लो कोई कछु बोल लो, ठीक है। और दोनों भैया देखो, और भैया कल को फोन आ रहा है जी, तुम्हें दिखाई कहा जा रहा सब कछ। ये भैया, अरे ये मेरी बहन, और देखो ये भी एक्टिंग करने वाला था, पर जो मैंने बोला है ना कि ये किसी का फोन नहीं आ रहा है, ये बस तुम्हें दिखाने, तो उसने ना फोन अपना नीचे रख दिया। ये पांच रुपया बोलने वाला होगा भैया, तो 5 लाख बोल दिया, ठीक है सीरियस बनो ना। और ये यहाँ पे इतने सारे लोग हो चुके हैं, तो अब यहाँ मस्ती चल रही है गाइस। अब देखो ये कैसे बात कर रहा है, बोला आए राजेश डॉन इधर इधर, हाय बोलो, राम राम भाई सारे आ गए। ये मेरा भाई, इनको सपोर्ट करो बिल्कुल, क्या कभी भी कहीं भी कर लेती है चीची गंदी लड़की, ये देखो डंडा लेके भैया। तो अब हम इनको खोल के ले जा रहे हैं घर पे, राम प्यारी चले जा रहा हूँ, राम प्यारी ठीक है, राम प्यारी को खोल, रामला अम्मा, हाँ अम्मा के पास ही ले जा रहा है, ठीक है मत चिल्लाए दोनों, पता नहीं क्यों देखो लड्डू बूंदी को खोलते हुए। देखो देखो वो पता नहीं क्या कह रही है इतनी दूर से, तो अब देखो अब मो बता, एक वीरा चलेगी मो खेके खचेले जाऊंगी, जब तक मैं किस्ता हो जाऊंगा रोड पे, तो भैया मैं तो इनसे दूर ही रह दूं, वो तेरी जब मैं भाई साहब जिना रुकेंगे देख लियो तुम, अरे बस हाँ चल रही चल रही। बाबू कमंडल ले ले, तो ये चल दिए हम इनको लेके घर के रास्ते, और मेरा क्लेचर और रखो वो बांग लग रो खाट में। और भैया हाँ जगह जगह पे लगना झटका, तो कहूँ हम झटका में आए गए और ऊपर चले गए, पर हाँ इतना तेज नहीं है वो, थोड़ा बहुत करंट लगता है, मैं लगा हुआ है वो ना लड्डू की मम्मी का स्वेटर फंस गया उसमें, तो उसे निकाल रहा, आय हाय सब बात शेर क्या कहने, देखो क्या लक है भाई का, आजा 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 जल्दी आजा। और भैया मेरी मम्मी उनको टेंशन हो रही है कि ये कैसे लेके आएंगे मेरे बच्चे इनको, तो वो आ चुकी है। तो देखो भाई साहब क्या क्या है वो, हाँ लड्डू की मम्मी तो आगे भगती हुई दिख रही होंगी आपको, उनको सबर नहीं हो रहा है, वो भूखी हैं भाई, इतना खाती है इतना खाती है हमारे लड्डू की मम्मी भाई साहब कि बंद ही नहीं होती शांति। अरे मेरा हाथ ही आ रहा है यार, क्योंकि मम्मी आ गई भाई, नाम कद्दू ने कहा कि मैं लिबा गए भैया पॉइंट में, तो मैं लेके आ, ओ भैया चलो भाग गई। देखो मेरे भाई को खींचते खचेते यार, माँ बेटी का प्यार दिख रहा होगा। माँ बेटी का प्यार देखो, वो जान गई है अपनी बेटी के मना। और देखिए ये हमारे भैया जी हैं, हाय बोलो। तो भैया
अरे चल बहन चल आगे चल। ओ हम घर आ चुके हैं भैया इनको लेके, अब इनको भूख लगी तो ना ये भाग रहे हैं। ओ जा ले चल। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं और भाई साहब देखो वो सिम पोर्ट करने वाले भैया ना आ चुके हैं फाइनली। मेरी दीदी ने उनको बुलवा लिया, वो बहुत परेशान थी। तो गाइस खुशी झलक रही है चेहरे पे। चलो अपना भोजन कर लो और हम जा, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मम्मी बना रही चाय, चाय पीते हैं तब तक के लिए। तो अब शाम हो चुकी है और मम्मी बना रही है खाना और हम खा रहे हैं फिलहाल। पर तो आप भी खा सकते हो, हम दे देंगे। और ये भी खा रही है बहन जी और ये भैया मैं। तो आप भी खा लो भैया, खा लो बोल रही है देंगी नहीं पर नहीं देंगी। तो ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और पता नहीं ब्लॉग में आज क्या क्या हुआ है तो आप देख लेना, और देख लिया होगा ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।